नारा देने वाले थे परम पूज्य बाल गंगाधर तिलक। वस्तुतः स्वाधीनता में ही सुख है। तभी तुलसीदास जी ने कहा, पराधीन सपने हूँ नाहीं। महर्षि दयानंद का कथन है कि विदेशी राज्य चाहे कितना भी अच्छा हो, स्वदेश के लिए हानिकारक है। सदियों की गुलामी के बाद 15 अगस्त 1947 के दिन हमारा देश आज़ाद हुआ। पहले हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे, उनके बढ़ते हुए अत्याचारों से सारे भारतवासी त्रस्त थे। तब विद्रोह की ज्वाला भड़की और देश के अनेक वीरों ने प्राणों की बाजी लगाई, गोलियां खाई और अंततः आज़ादी पाकर ही चैन ली। 15 अगस्त 1947 का दिन भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। इस दिन ही हमारा देश अंग्रेज़ों की दास्ता से आज़ाद हुआ। प्रतिवर्ष हम 15 अगस्त का दिन एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाते हैं। दिल्ली के लाल किले पर भारत के माननीय प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं और देश को संबोधित करते हैं। झंडा राष्ट्र गौरव की सजीव आत्मा है। तीन रंग का प्यारा झंडा ऊंचा सदा रहेगा, ऊंचा सदा रहेगा झंडा, ऊंचा सदा रहेगा। केसरिया बल देने वाला सफ़ेद है सच्चाई, हरा रंग हरियाली बताता हरी हमारी खेतों की अंगड़ाई। चक्र सुदर्शन ये कहता है कदम कभी न रुकेगा, हिंद देश का प्यारा झंडा ऊंचा सदा रहेगा। स्वतंत्रता तो हमने पा ली, स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए भी हमें सावधान रहना पड़ता है। पाकिस्तान और चीन से युद्ध की संभावना सदा बनी रहती है। देश की आज़ादी के बाद शहीद हुए सैनिकों को हम भुला नहीं सकते। उन सैनिकों को सम्मानित करने के लिए व श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए राष्ट्रीय समर स्मारक की स्थापना की गई है। ये स्थान दिल्ली के इंडिया गेट के पास है। इंडिया गेट के पास एक अमर ज्योति जलाई गई है जो अविरल 24 घंटे जलती है। इसी प्रकार इस स्मारक में भी एक अनंत लौ जल रही है। इंडिया गेट के पीछे और इस स्मारक के आगे वीर सेनानी सुभाष चंद्र बोस की 28 फीट की ग्रेनाइट की प्रतिमा स्थापित की गई है। मुझे तो ये स्थान एक पवित्र स्थल जैसा लगता है, तीर्थ स्थान जैसा लगता है। अपने देश की अनुपम महिमा किन शब्दों में करें बखान, जननी जन्म भूमि पर अपना तन मन धन सब है बलिदान। भारत माँ की हम संतान, भारत देश है जग में महान। और एक बात और कहना चाहती हूँ, भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज के दिन 16 अगस्त की पुण्यतिथि है, तो उनको भी हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तो अभी चलिए स्वतंत्रता दिवस का समारोह आगे बढ़ाते हैं। पुष्पांजलि जी आइए।